अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दिसंबर 1994 का कैलेंडर और उसके हिसाब से जमादिल आखिर का महीना रजब का महीना था। जमादिल आखिर का महीना रजब का महीना था। हिजरी ईयर जो 1415 थी, हिजरी ईयर जो 1415 थी, दिसंबर 1994 के कैलेंडर के हिसाब से जमादिल आखिर महीना रजब का महीना था। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर से मेंशन किया हुआ, ये सब जो डेट जो लिखी हुई, ये सब जो इंग्लिश तरीके के हिसाब से डेट लिखी हुई है, जो ब्लू कलर में डेट जो है, और उसके नीचे यहाँ पे जो दूसरा जो मेंशन किया हुआ डेट, वो सब जो है वो एक उर्दू तारीख के हिसाब से डेट मेंशन किया हुआ। ये इंग्लिश तारीख है, ये उर्दू तारीख है, ये इंग्लिश तारीख है, ये उर्दू तारीख है। तो इसके हिसाब से 1 दिसंबर को थर्सडे का दिन था और उस दिन जमादिल आखिर महीने की 26 तारीख थी। 2 दिसंबर को जमादिल आखिर महीने की 27 तारीख थी। 3 दिसंबर को जमादिल आखिर महीने की 28 तारीख थी और 4 दिसंबर को जमादिल आखिर महीने की जो है 29 तारीख थी। तो उसके हिसाब से ये जो है जमादिल आखिर महीना जो ख़त्म हुआ था वो 4 तारीख को ख़त्म हुआ था। 4 तारीख को मगरिब के नमाज़ के बाद से इंशाल्लाह रजब का महीना स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आपको पता ही होगा इस्लामिक मंथ के हिसाब से, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस्लामिक मंथ और इस्लामिक डेट जो रहती है वो मगरिब के नमाज़ के बाद से चेंज हो जाती है। तो उसके हिसाब से 5 तारीख को रजब महीने की पहली तारीख थी, ये दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन 4 तारीख को मगरिब की नमाज़ के बाद से रजब महीना स्टार्ट हुआ था। तो ये दिन के हिसाब से अगर मैं आपको डेट बताऊँ तो 5 तारीख को पहली तारीख थी रजब महीने की, उसके हिसाब से 5 दिसंबर को रजब महीने की पहली तारीख थी, 6 तारीख को रजब महीने की 2 तारीख थी, 7 तारीख को रजब महीने की 3 तारीख थी। तो उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जो रजब महीने की 27 तारीख थी। यहाँ पर जितने भी डेट यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं 5 तारीख से लेकर 31 तक, ये सब जितने भी डेट यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं ब्लैक कलर के अंदर, ये सब जो है रजब महीने के हिसाब से डेट मेंशन किए हुए हैं। ये 7 तारीख को 3 तारीख थी रजब महीने की, 8 तारीख को रजब महीने की 4 तारीख थी, 9 दिसंबर को रजब महीने की 5 तारीख थी। तो उसके हिसाब से 24 तारीख को, 24 दिसंबर को रजब महीने की 20 तारीख थी। तो उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक 27 तारीख थी रजब महीने की। आपको कुछ डाउट है, सवाल पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 1995 का जो कैलेंडर है मेरे चैनल के ऊपर, आपको 1960 से लेके 2050 तक इंग्लिश के और उर्दू के जो कैलेंडर है वो आपको मिल जाएंगे। मैं डेली के अपलोड्स करते रहता हूँ, अगर आपको चेक करना रहेगा या आपको अगर देखना रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ़ोन के ऊपर या तो आपके मेल के ऊपर नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।